मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स। मूवी की शुरुआत में 16 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रोजर होता है। रोजर के कारनामे ऐसे होते कि जॉनी सिंस भी फेल हो जाए। रोजर समर वेकेशन में घर आ रहा होता है तो उसको लेने के लिए उसकी माँ उसकी मैड बोबीता को भेजती है। वो एक घोड़ा गाड़ी से आ रहे होते हैं। घोड़े की चाल के साथ साथ बोबीता के पपीते भी उछल रहे थे। पपीते उछलते देख रोजर का काला नाक जाग उठा, जैसे उसने कोई नागमणि देख ली हो। मिस बोबीता भी इस बात को नोटिस कर लेती है, लेकिन वो हंसकर बात को टाल देती है। फिर वो घर पहुंच जाते हैं और उसकी माँ उसका वेलकम करने के लिए बाहर आती है। उसकी माँ की नजर उसकी पैंट पर जाती है, जहाँ पर बोबीता के पपीते देखने से उसका नल लीकेज हो जाता है। और जैसे दूध को गर्म करने पर मलाई छोड़ देता है, वैसे ही रोजर भी गर्म होकर मलाई छोड़ देता है। फिर उसकी माँ सी रोजर को डिफेंड करती है कि ऐसी उम्र में अक्सर नल लीकेज हो जाता है। मूवी के अगले सीन में रोजर की छोटी बहन दिखाई जाती है जिसका नाम बर्ता होता है। बर्ता रोजर को जंगल घुमाने के लिए ले जाती है, जहाँ पे रोजर की मुलाकात मिस बोबीता से होती है। बोबीता को अचानक से जोर की लग जाती है और वो वहीं खड़े खड़े रोजर के सामने ही अपना टैंक खाली करने लग जाती है। ये देखकर रोजर वहां से चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो एक जगह ठोकर खाकर गिर जाता है। तभी अचानक वो देखता है किसी खोपचे में उसके घर की मेड का किसी अनजान मर्द के साथ मलाई और रबड़ी का आदान प्रदान चल रहा है। मेड की नजर रोजर पर पड़ती है और वो हंसने लग जाती है। रोजर घबरा कर घर भाग जाता है। रात को डिनर के टाइम रोजर अपनी मेड को ताड़ता रहता है। उसकी माँ इस बात के लिए उसको 2 से 3 बार डांट देती है। डिनर के बाद रोजर कमरे में सोने चला जाता है। तभी उसको कमरे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आती है। बाहर आते ही वो देखता है कि उसके घर की ही एक मेड रूम से आधी बार झुककर खड़ी है और अंदर रूम से ही कोई ढपली वाला उसकी ढपली बजा रहा था। जल्दी से खुदाई खत्म कर मेड हेलन वहां से चली जाती है। रोजर ये देख के अपने रूम में चला जाता है। रूम में उसकी छोटी बहन बर्ता रहती जो पहले से ही वहां पे छुपी हुई होती है। फिर बर्ता उसको अपनी मासी मार्गरेट के बारे में बताते कि उसने अभी तक अपनी तिजोरी का ताला किसी से नहीं खुलवाया। तो रोजर उसे पूछता कि तुझे कैसे पता। तब बर्ता बताते कि उसकी अपनी मेड हेलन ने उसे बताया है। फिर बर्ता रोजर को तालाब के पास घुमाने ले जाती है, जहाँ पर सारी मेड इकट्ठा होकर अपने राज उगलती है। तालाब के दूसरी तरफ घर के ही नौकर मेड को देखकर अपनी टंकी खाली करने लग जाते हैं। ये देखकर मेड भी एक्साइटेड हो जाती है और वो भी खड़ी होकर अपनी तिजोरी दिखा देती है। अगले सीन में रोजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पापा के साथ आती है। एलिसा सभी लोगों से गले मिलती है सिवाय रोजर के। बर्ता ये सब देख लेती है और रोजर का मन हल्का करने के लिए उसको चर्च ले जाती है। वहां वे अपनी मासी मार्गरेट को देखते हैं जो कि कुछ कन्फेस करने आई थी। वो पादरी को कन्फेस करती है कि वो रोजर को इमेजिन करके अपनी हवस बुझाती है। ये बात रोजर सुन रहा होता है। तभी अचानक से रोजर छत से गिर जाता है और उनके सामने आके गिरता है। इसके बाद पादरी और मार्गरेट रोजर की माँ को ये सब बता देते हैं। फिर सब मिलकर उसको सजा देते हैं। सजा के तौर पर उसके पिछवाड़े पर 10 फटके मारे जाते हैं। रात को रोजर पलंग पर सो रहा होता है, तभी उसको कमरे के बाहर से फिर से बर्तन की आवाज आती है। बाहर रूम से जाकर देखता है तो मेड हेलन की कोई बज्जी ले रहा होता है। रोजर के साथ साथ यहाँ पे मिस्टर फ्रैंक भी ये सब नजारा देख रहे होते हैं। रोजर फिर ऊपर फ्रैंक के रूम में जाता है। वहाँ उसको फ्रैंक अपने हाथ पैंट में डाले हुए हेडपंप चलाते हुए दिखते हैं, जो कि किसी दूरबीन से दो आत्माओं का मिलन देख रहे थे। रोजर को देखकर वो घबराकर भाग जाते हैं। फिर रोजर दूरबीन से देखता है तो दूर गार्डन में चांद की रोशनी में नाग नागिन एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई देते हैं और चरम सुख का आनंद ले रहे होते हैं। वहां से रोजर अपने कमरे की ओर जा रहा होता है तो उसको अपनी माँ के कमरे से कुछ आवाजें आ रही होती है। तो वो की होल से जागता, तभी एलिसा का फियांसे उसको ये सब करते हुए देख लेता है। रोजर उसके सामने गिड़गिड़ाता है और किसी को ना बताने के लिए बोलता है। और फिर उसका फियांसे रोजर से अपनी कार साफ करवाता है। अगली सीन में रोजर घोड़े के अस्तबल में छिपकर अश्लील नॉवल पढ़ रहा होता है और अपना हेडपंप चला रहा होता है। तभी वहाँ पे घर का नौकर आ जाता है। उसको देखकर रोजर एक कोने में जाके छिप जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मिस हेलन आती है। एक खिड़की से वो अंदर मुर्गियों को दाना डाल रही होती है। तभी वो ठरकी नौकर खिड़की गिराकर हेलन को खिड़की में फंसा देता है और पीछे से हेलन का तबला बजाने लग जाता है। हेलन रोजर को देख लेती है और उसकी हेल्प मांगती है। रोजर हेलन की हेल्प करने बाहर जाता है, तब तक वो नौकर अपना काम कर चुका था। अगले सीन में एलिसा का फियांसे रोजर से कहता है कि मेरे जूते गंदे हो गए, इसे साफ कर दो। रोजर ऐसा करने से मना कर देता है। तभी एलिसा के फियांसे को गुस्सा आ जाता है और वो सारी बात रोजर की माँ को बता देता है कि रात को ये आपके रूम में ताकाझाकी कर रहा था। उसकी माँ रोजर को तुरंत घर से बाहर जाने को कहती है। घर से बाहर जाते समय रोजर अपनी अश्लील नॉवल को एलिसा की बुक के साथ एक्सचेंज कर देता है और छिपकर एलिसा को वो नॉवल पढ़ते हुए देखता है। अब रोजर का मुन्ना बेकाबू हो जाता है। वो मुन्ने को शांत करने के लिए किसी को ढूंढता है। तभी किचन में उसकी मेड उसूला मिलती है। उसूला को वो पीछे से पकड़ लेता, तभी उसूला डर जाती है और उसके सिर पर प्लेट मार देती है। फिर उसूला को लगता है कि ये तो अपना छोटा चेतन है और वो उसके साथ में इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहां से अचानक कोई मोटी सी मेड आ जाती है। रोजर छटपटाते सांप के साथ वहां से भाग जाता है। फिर वो मिस बोबीता को देखता है और वो उसके पीछे जाकर बोबीता को पकड़ लेता है और उसके संतरे निचोड़ने लग जाता है। बोबीता भी उसको मना नहीं कर पाती। तभी वहां डाकिया आ जाता है और चिल्लाता है कि जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, तो गांव के सारे मर्दों को जंग में जाना पड़ेगा। रोजर को ये बात पता चलते ही खुश हो जाता है कि अब घर पे सारी औरतों के बीच वो अकेला रहेगा। रात को वो देखता है कि सभी मर्द अपनी अपनी औरतों के साथ जंगल में पहलम पहली मचा रहे थे, क्योंकि वहां पे ये रिवाज होता है कि जंग में जाने से पहले ये सब करते हैं। अगले दिन सबसे पहले रोजर
उर्सुला को पकड़ता है। उर्सुला भी रोजर के साथ हमबिस्तर होना चाहती थी, तो दोनों मिलकर सारी रात पलंग तोड़ खुदाई करते हैं। अगले सीन में तालाब के किनारे रोजर उसकी मेड केट को देखता है। रोजर पानी से निकलता है और वहीं तालाब के किनारे केट को पानी पानी कर देता है। केट को भी ये सब करके मजा आता है। इसके बाद रोजर अपनी मासी मार्गरेट को पकड़ता है और उसको बोलता है कि मुझे पता है कि आप वर्जिन हो। और इसके बाद मार्गरेट इन सब में शामिल हो जाती है और मचक के सारी रात तबला बजवाती है। रात को मेड हेलन हमेशा की तरह उस कमरे के पास आती है, लेकिन उसका तबला वादक जंग में गया हुआ था, तो वो रोजर के रूम में आ जाती है। रोजर उससे पूछता कि डेली रात को कौन तुम्हारी लेता है। तब हेलन बोलती कि ये सब एक राज है। और इसके बाद में रोजर हेलन को वहीं पटक कर हमबिस्तर हो जाता है। यहाँ पर दोनों को जन्नत नसीब हो जाती है। फिर रोजर का आखिरी निशाना उसकी बहन एलिसा थी। वो एलिसा के पास जाकर उसके खरबूजे दबाने लगता है। एलिसा पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन फिर वो भी मजे लेने लग जाती है। अब रोजर की किस्मत पलट गई थी। डेली उसके रूम में लाइन लगी रहती थी और एक एक करके सबके मजे लेता। एक दिन मजे लेने के बाद एलिसा रोजर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। तभी वो देखते हैं कि एलिसा का फियांसे भी युद्ध से वापस आ जाता है। घर के सारे मर्द जंग खत्म होने की वजह से घर पे वापस आ जाते हैं। रोजर सोचता है कि अब इस बला से कैसे निपटे। थोड़ी देर बाद उसकी मासी भी आकर कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। फिर रोजर एक प्लान बनाता है। वो मेड उर्सुला से कहकर लाल नेल पेंट मंगवाता है और एलिसा के बेड पर लगा देता है। और फिर वो एलिसा को अपने फियांसे के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। इसके बाद रोजर मासी के पास जाता है और मिस फ्रैंक से शादी करने को कहता है, और मासी भी इस बात के लिए मान जाती है। फिर वो उर्सुला के पास जाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। उर्सुला कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है। ऐसे करके एक साथ तीन शादियां हो जाती है। फिर थोड़े दिन बाद हेलन भी रोजर के पास आकर कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है, लेकिन तुम इसकी टेंशन मत लेना क्योंकि घर के सभी मर्दों ने मेरे साथ खुदाई की है, मैं किसी का भी नाम लगा दूंगी। अगली सुबह रोजर छुट्टी खत्म होने की वजह से घर से वापस चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।